पॉपकॉर्न खाने वाले बकरे। नीलनगर नाम के गांव में मीनू नाम का व्यक्ति खीरो नाम के एक बकरे को बड़े लाड़ प्यार के साथ पाल रहा था। बचपन से ही उसे जो पसंद था वो खिलाता था। इतना ही नहीं, वो अपने साथ उसे कॉलेज भी ले जाता था। यूं कुछ दिनों के बाद जब कॉलेज के प्रोफेसर नहीं माने तो उसने खीरो को कॉलेज के बाहर एक पेड़ के पास बांध दिया, जहाँ पॉपकॉर्न का ठेला था। उस दिन से खीरू को पॉपकॉर्न बहुत पसंद आने लगा। हर रोज उस ठेले के पास वो कम से कम 100 रुपए का पॉपकॉर्न खा जाता था। एक दिन उस कॉलेज के वॉचमैन प्यारे और जीतू उस पॉपकॉर्न के ठेले के पास पहुंचे। पॉपकॉर्न ठेले के मालिक भाटिया से जीतू, अरे भाटिया भैया, भाई तुम्हारा बकरा तो बहुत बढ़िया है, अगर इसका लेग पीस पकाकर खाया तो बस मजा आ जाए। ये बात सुनकर वो बकरा अपने मन में, अरे कमीने, बकरा दिखा नहीं कि उसे काट कर खाने का दिल करता है? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? कमीने, तुम ये नहीं कह सकते थे कि मुझे देखकर बड़ा लाड़ आ रहा है और मुझे पॉपकॉर्न खरीद कर ही खिला देते, कमीने? तब जीतू से भाटिया, अरे भैया, ये कोई साधारण बकरा नहीं है, ये केवल हाइजीनिक खाना खाता है और खास तौर पर इसे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। भैया भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके सर से लेके पांव तक बस हर चीज स्वादिष्ट होती है। एक दिन प्लान बनाओ, इसे जंगल ले जाते हैं और वहीं काट कर खा जाते हैं। ये बात सुनकर बकरा अपने मन में, अरे कमीने, मैं तुम्हें हर रोज 100 रुपए का बिजनेस दे रहा हूँ और तू मुझे ही काट खाना चाहता है? तू इस हीरो को खाएगा? हाँ, आ घर तो चल तू, पहले तेरी खबर लेता हूँ मैं। यूं हीरो को खाने का प्लान बनाने वाले भाटिया, जित्तू और उनका गैंग हर रोज मीनू के घर आने लगे शाम को और हीरो को पॉपकॉर्न खिलाने लगे। ये देखकर मीनू, अरे भैया, आप लोगों को जानवरों से बड़ा प्यार है, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे हीरो को पॉपकॉर्न खिला रहे हैं। भाई आज से मेरे हीरो के 4 भाई हैं। तब हीरो अपने मन में, ये बेवकूफ बकरा है, ये सोचता है कि सब लोग भले इंसान हैं। ते मिलू, ये तीनों भाई नहीं कसाई हैं। तुम मूर्ख हो, तुम समझ नहीं पा रहे, ये मुझे काट खाने के लिए आए हैं। अरे लोगों को देख के ही पहचान सकते हैं कौन कैसा आदमी है। अगर मैं इस मीनू के भरोसे रहा तो मेरा हलाल होना निश्चित है, अब मुझे ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। यूं बहुत देर सोचने के बाद हीरो ने एक फैसला लिया। हर रोज उसे जो पॉपकॉर्न खाने के लिए मिलता था वो अपने पास वाले घर के बकरियों को भी वो पॉपकॉर्न खिलाने लगा। अब उन बकरियों को भी पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में छुट्टियों की घोषणा हुई। तब भाटिया और उसके गैंग वाले सब मिलकर ये फैसला लिया कि अगले दिन हीरो को जंगल में ले जाएंगे, उसे काट कर पका कर खाएंगे। घर के अंदर मीनू के साथ हीरो को सोते हुए देखकर खिड़की में से उन्होंने पॉपकॉर्न के पैकेट को खोलकर पॉपकॉर्न अंदर फेंका। तब हीरो ने जागकर आंखें खोली तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर से प्यारे और उसके दोस्त इसे बाहर आने का इशारा कर रहे थे। उन्हें देखकर अपने मन में हीरो, अरे कमीनो, ये सोच कर कि अगर मैं बाहर सोया तो तुम मुझे उठाकर ले जाओगे, अंदर जिद करके मीनू के पास लेटा तो तुम मुझे पॉपकॉर्न फेंक कर उठा रहे हो, अब मैं क्या कहूँ? ठहरो, तुम्हारी खबर लेता हूँ। कहकर वो बाहर आया। उसे देखकर प्यारे, अरे पागल बकरे, लगता है पॉपकॉर्न खा खा कर काफी मोटे हो गए हो, हा? बस खाना देखते ही बाहर आ गए। अरे हम तीनों के जेब पॉपकॉर्न से भरे हैं, अब इस धरती पर तुम खाने वाले ये आखिरी पॉपकॉर्न होंगे। चलो हमारे साथ, तुम्हें जंगल ले जाएंगे और कल सवेरे तुम्हारे टुकड़े 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 काट कर तुम्हें उबाल कर तल कर फ्राई कर कर ग्रिल कर कर कई किस्म के बनाएंगे और खाएंगे, बस मजा आ जाएगा। ये बात सुनकर हीरो जोर जोर से यूं चिल्लाने लगा, मानो पड़ोसी के बकरियों से कह रहा हो कि आओ भाई तुम भी पॉपकॉर्न खाओ।
बस पड़ोसी राठौड़ के सारे बकरियां एक साथ टूट पड़ी और हीरो को घेर कर खड़ी हो गईं। तब भाटिया, अरे भाई हम तो हीरो को बकरा समझते थे, लगता है इसे हमारा प्लान समझ में आ गया, इसीलिए इसने इन लोगों को घेरने को कह दिया। इतने बकरियों को हम नहीं संभाल सकते, चलो यार यहाँ से भाग चलते हैं। यूँ कह रहा था कि तभी हीरो बाकी बकरियों से ये कहने लगा कि इन तीनों के जेब में पॉपकॉर्न है और उनकी भाषा में यूं कहने लगा। बस फिर क्या था, सारे बकरियां उन तीनों के पैंट के जेब को फाड़ कर उसमें से पॉपकॉर्न लेकर खाने लगी और उन तीनों का हालत खस्ता कर दिया। वे तीनों ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे ये बकरियां हमें खा जाएंगी, बचाओ बचाओ। बस ये आवाजें सुनकर मीनू और पड़ोसी राठौड़ सब उन बकरियों के पास आए और उन बकरियों से उन तीनों को छुड़ाया। जब देखा उन तीनों के पैंट फटे हुए थे और काफी चोट लगी थी, काफी खून बह रहा था। ये देखकर मीनू भाटिया से, अरे भैया मानता हूँ कि आपको हीरो से प्यार है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है ना, यूँ वक्त बेवक्त आकर इसे पॉपकॉर्न खिलाओगे तो क्या होगा। इस हीरो ने राठौड़ भाई साहब के बकरियों को भी पॉपकॉर्न की आदत डाल दी, अगले बार दिन में आइएगा, लगता है काफी चोट पहुंची है। अरे हाँ भाई साहब, इस चोट का जल्दी इलाज करना हो तो मटन शोरबा जरूर पीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। यूं कहा तब हीरो, अरे यार ये तो फिर से शुरू हो गया, अब ये फिर मुझे काटने का प्लान बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं मुझे अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। यूं सोचकर उसने जोर से जाकर भाटिया को सींग मारा। बस लंगड़ाते लंगड़ाते भाटिया और उसके दोस्त वहां से भाग गए।